नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता? सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं, अपितु कुछ लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा मानी जाती है। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं, अपितु अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में 8 ऐसे संकेत का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियां हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं। आप जो भी करेंगे उसमें विफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आवश्यक रूप से आपको उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा, आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है
और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही हैं। कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद इसका कोई समाधान भी प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें हाथी जाएगी। आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। सभी उम्मीदें खत्म। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर ही एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या थे। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। जीवन चरित्र में बदलाव शुरू। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जीवन में हार जीत का अनुभव समाप्त। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपको जीवन में किसी प्रकार की हार जीत का अनुभव नहीं होगा। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु को कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु के खो देने का गम। वास्तव में यह वह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढोंग लगेगी। आस्था पर झटका जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप ईश्वर के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, उस क्षण ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। ईश्वर के प्रति अडिग आस्था। यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह क्षण होगा जब आपका ईश्वर मिलन तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में,
कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता, उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही हैं। आपको हमारी बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी रोचक और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।